बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में गीदड़ को मुंह में दबाकर पेड़ पर चढ़ा गुलदार। किसान ने मचाया शोर तो पेड़ पर ही लटकता छोड़ गया गीदड़ को गुलदार, जिसे देख गांव के लोगों में बना दहशत का माहौल। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के गांव गजरोला सिव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत में खड़े पेड़ पर एक गुलदार गीदड़ को मुंह में दबाकर चढ़ गया, जिसे चढ़ता देख किसानों ने देख लिया और शोर मचा दिया। किसानों का शोर सुनकर गुलदार गीदड़ को पेड़ पर ही लटकता छोड़ गया। गुलदार के हमले से गीदड़ की हुई दर्दनाक मौत। गीदड़ की हालत देख किसानों व गांव वालों में बना डर का माहौल। किसानों ने कहा, बिजनौर में 18 लोगों को उतार चुके हैं गुलदार मौत के घाट। आगे ना बनाए ये गुलदार किसी इंसान को अपना शिकार, इसलिए जल्द पकड़े वन विभाग इन सभी गुलदारों को। मेरा अमित आर्य, पूर्व ग्राम प्रधान हूँ मैं। कौन से गाँव से? गड़ी बगीची। गुलदार को लेकर के जो मामला है, क्या मामला है जी? गुलदार शाम के समय दिखाई दिया हमें, तो हमने सोचा है कि ऐसे घूम ही रहा जंगल में, और जैसे ही सवेरे 4:30 बजे मैं खेत पर जुताई करने आया यहाँ कुएं पे, रामनाथ सिंह के कुएं पे पास में खेत है मेरा, तो यहाँ देखा तो गुलदार एकदम पेड़ पर से कूद कर भागा। अच्छा, फिर मैंने उसके दिन निकला, जैसे ही देखा टॉर्च लगा के उसके देखने के बाद, तो गिद्दड़ मरा हुआ टंगरिया इस पर, गिद्दड़ को लेके चढ़ गया पेड़ पे। हाँ, पेड़ पे चढ़ गया और ये देखो इसमें टंगरिया है यहाँ। तो क्या वन विभाग को सूचना दे दी? वन विभाग को, दरोगा जी को सूचना दे दी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये बार बार गुलदार का आतंक समाप्त हो। जो मरा हुआ जैसे उसने उसका भोजन है ये, वो बार बार यहाँ आक्रमण करेगा ही निश्चित। यहाँ पिंजरे विंजरे को लेकर के बात हुई वन विभाग वालों से? अभी सूचना की है, देखो वन विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है। पिंजरे के लिए तो विशेष यहाँ से पकड़े से और अन्य जगह छोड़े। कोई हादसा तो नहीं अभी गांव के आसपास या गांव में? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन जो गुलदारों की यहाँ एक नहीं कई संख्या है। और भी हैं इसके अलावा? जी अन्य भी हैं, पिछले वर्ष 2 बच्चे भी थे। वन विभाग को सूचना भी की थी।